नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। आज हम कक्षा 10 का गणित उसका चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए ताकि यहाँ पर बताए गए एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर सकें, ध्यानपूर्वक नोट कर सकें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी आपके काम आता है। हाँ, तो फिर अपन क्लास शुरू करने से पहले ये याद कर लेते हैं कि पिछली क्लास या कहें पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने ये जाना था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन, खासकर दो वेरिएबल्स वाले को, अपन ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, उसके पेयर को कैसे शो करते हैं, है ना, किसी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं, और इसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज अपन 3.2 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे या कहें कि समझेंगे। उसमें अपन शुरुआत करेंगे, ये जानेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन, खासकर टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस को जो सॉल्व निकल के आता है वो कैसे निकलता है, है ना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है ग्राफिकली और दूसरा तरीका होता है अलजेब्रिकली। लेकिन ग्राफिकली और अलजेब्रिकली भी निकालने में कुछ समस्याएं या कुछ स्थितियां, कुछ केस होते हैं। अपन जैसा कि अब देखो, इसको समझने के लिए एक सीधी सीधी बात को अपन को याद करना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाले, उनकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब एक की स्ट्रेट लाइन बनती है तो दूसरी की भी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन की तीन स्थितियां अपने सामने आती हैं, है ना। उनमें सबसे पहली स्थिति कुछ ऐसी होती है, केस वन, है ना। केस वन में होता यह है कि मान लीजिए ये पहली इक्वेशन की लाइन है। ध्यान रहे, दो इक्वेशंस होंगी, पेयर है, जोड़ा है, तो दो तो होंगी। तो पहली इक्वेशन की लाइन मान लीजिए ऐसी बनी, है ना, और दूसरी इक्वेशन की इसको इंटरसेक्ट करती हुई निकल गई, ठीक है। ये दो लाइनें बनी, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू देखकर, कोऑर्डिनेट्स देखकर हम एक्स और वाई की वैल्यू बता देते हैं, है ना। तो ये जो स्थिति निकल के आती है, इस स्थिति को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या हिंदी में कहें अद्वितीय हल। इसको अपन वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में केवल एक सॉल्यूशन, एक अनोखा सॉल्यूशन ही निकल के आता है, ठीक है। अब अपन दूसरी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है, यानी कि केस टू में, ऐसी स्थिति में जब अपन एक इक्वेशन की लाइन बनाएं, मतलब एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल के उसकी लाइन खींचें और दूसरी की करें, तो दूसरी लाइन इसके पैरेलल आ जाती है, या कहें समांतर आ जाती है, है ना। ऐसी स्थिति में अब आप, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब इंटरसेक्ट करता है, है ना, तभी उसका अपन आंसर बता सकते हैं या कहें कि सॉल्यूशन निकल के आता है। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं और अपन जानते भी हैं कि पैरेलल लाइंस कभी भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये कर भी नहीं रही है। जब इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन कहां से आया। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, या कहें कोई हल नहीं, ठीक। ये हो गई हमारी दूसरी स्थिति, या कहें दूसरा केस। अब हम केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, या कहें स्थिति तीसरी देखते हैं। तीसरी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ये लाइन बनी एक इक्वेशन की, ठीक है, ये मैंने डॉटेड बना दी है। आप चाहें तो ऐसी ऐसी इसकी तरह एक लाइन बना सकते हैं डॉटेड, ताकि आपको समझ में आ जाए। और दूसरी लाइन इसी के कोइंसाइड, या कहें इसी के ऊपर बन जाए, है ना, दोनों लाइनें एक ही स्थिति में आ जाएं, बिल्कुल सेम टू सेम, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी,
जो पॉइंट पहली लाइन का वही पॉइंट दूसरी लाइन का, है ना। तो इतनी सारी बार इंटरसेक्ट करेंगे तो इसके कितने सारे हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके अनंततः अनेक हल हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे कि हम इन्हें काउंट ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति को हम कहेंगे अनंततः अनेक हल, या कहें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, तो मैंने आपको अभी अभी ये लीनियर इक्वेशंस के पेयर के दो वेरिएबल वाले, इनको हमने अभी अभी तीन स्थितियां बताई, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। अब हमने जैसा कि अभी देखा कि तीन स्थितियां कौन कौन सी थी, एक थी यूनिक सॉल्यूशन की, दूसरी है नो सॉल्यूशन की, और तीसरी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। लेकिन ये स्थितियां अगर आप गौर करें तो कब अपन देखेंगे, जब हमें एक पहले हमें कथन दिया जाएगा, उस कथन से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन बना के उसका हम ग्राफ करेंगे, फिर ग्राफ करके हम उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, पैरेलल है या कहें उसके कोइंसाइड है, या कहें एक के ऊपर एक दूसरी लाइन है, है ना। कितना लंबा प्रोसेस है, और अगर इंटरसेक्ट कर जाए, एक ही जगह इंटरसेक्ट करे, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो फिर हम उसके कोऑर्डिनेट्स भी चेक करें, तब जाके हम कहीं एक्स और वाई के सॉल्यूशन बता पाए। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है, है ना, मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है कि आप केवल इक्वेशन देखें और इक्वेशन देख के बता दें कि अरे ये तो यूनिक सॉल्यूशन है, इसे अपन सॉल्व कर देते हैं अभी हल, या फिर अपन कहें कि देख के आप बता दें कि ये तो नो सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करने कोई फायदा ही नहीं, या फिर आप सिर्फ देखें और देखते ही साथ झट से बता दें कि ये तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन अपन काउंट ही नहीं कर सकते, तो सॉल्व क्यों करेंगे, है ना। दैट मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को ही सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इक्वेशन देख के अगर ये बता दें तो कैसा रहेगा, मजा आएगा ना। तो चलिए अपन इसी मजे को लूटते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे तीनों स्थितियों के जो चित्र हैं या कहें ग्राफ हैं वो मैंने बना रखे हैं, है ना। ये यूनिक सॉल्यूशन वाला है, ये नो सॉल्यूशन वाला है, और ये तीसरी लाइन एक के ऊपर एक दूसरी कोइंसाइड लाइन जो है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला है। अब अपन एक एक करके समझते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि किसी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाली, या कहें दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऐसा होता है कि उसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। अगर एक इक्वेशन ऐसी लिखी जाएगी तो जो इसके जैसी दूसरी होगी वो भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो जैसी लिखी जाएगी, है ना। लेकिन क्या है, अब आप कहेंगे कि सर ये दिख तो एक से ही रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन में से मैं ए कैसे मानूं, बी कैसे मानूं, और अगर दोनों को मानूं तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, अलग अलग मान नहीं होंगे। तो इसी का समाधान ये है कि पहली इक्वेशन जो होगी उसे हम उसके रियल नंबर्स को ए वन बी वन और सी वन कहेंगे, दूसरी इक्वेशन वाले को ए टू बी टू और सी टू कहेंगे, ठीक है। ये हमने नाम दे दिए, यानी ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू, ठीक है। ये हम ए टू बी टू से काम चलाएंगे। तो पहली स्थिति में क्या होता है कि आप केवल इक्वेशन देखें और आप देखें कि अगर ए वन और ए टू का रेशियो तथा बी वन और बी टू का रेशियो अगर ये बराबर नहीं आता है, वर्ड्स पर गौर करें और यहां भी देखें, बराबर नहीं आना है, ए वन ए टू का रेशियो बी वन बी टू का रेशियो अगर ये बराबर नहीं आता है तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, है ना। फॉर एग्जांपल अपन एक इक्वेशन लिख भी लेते, है ना। तो यहां पर हम एक लिखते हैं जैसे कि एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, है ना, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 7। अब अगर आप देखें तो इसका 1 अपॉन 4, इसका a1 और a2 का जो रेशियो होगा वो 1 अपॉन 4 होगा, ये 1 है ये 4 है, और अगर इसका देखोगे तो 3 अपॉन 9, 3 3 जा 9 यानी 1 अपॉन 3, और ये 5 अपॉन 7। तो तीनों के रेशियो आप देख सकते हैं अलग अलग हैं, वैसे तो तीसरे तक जाना ही नहीं, अपन को पहले ही देख लेना ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक
सॉल्यूशन, जिसको आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक, ये तो हो गई हमारी पहली स्थिति, केवल आप इक्वेशन देख के इसको समझ भी सकते हैं। अब हम दूसरी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि ए वन ए टू का रेशियो बराबर होगा बी वन बी टू के रेशियो की, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे दोनों ही C1 C2 के रेशियो के, यानी आगे के दो बराबर और पीछे के जो रेशियो हैं वो बराबर नहीं। यानी A1 A2 का रेशियो बराबर है B1 B2 के रेशियो के, लेकिन ये दोनों ही इसके बराबर में नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति को हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं। ये भी आप इक्वेशन देख के बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने वाली 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 13। अब आप देख सकते हैं पहला जो निकल के आएगा वो 2 अपॉन 4, 2 बन जा 2, 2 टू जा 4 यानी कि 1 अपॉन 2। दूसरा क्या आएगा 4 अपॉन 8, तो 4 से 8 कटेगा, ये भी 1 अपॉन 2, दोनों बराबर। लेकिन अगला वाला है 11 अपॉन 13, यहां 11 से 13 डिवाइडेड होगा ही नहीं, 1 अपॉन 2 का रेशियो तो नहीं आएगा, यानी कि आगे वाले दो रेशियो बराबर हैं और तीसरा वाला रेशियो बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां क्या है, नो सॉल्यूशन, इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, इसका कोई हल है ही नहीं। अब अपन थोड़े और आगे बढ़ते हैं, तीसरी स्थिति तक पहुंचते हैं। तो तीसरी स्थिति में क्या होता है कि ए वन और ए टू का रेशियो ये बराबर होता है बी वन अपॉन बी टू के रेशियो के, और ये भी बराबर होता है C1 अपॉन C2 के रेशियो के। यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों के रेशियो आपस में बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, अब इसको भी अपन एक एग्जांपल समझ लेते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने मैं ले लेता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, फिर यहां 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, मैंने ये ले लिया। अब आप इनके अनुपात निकाल सकते हैं, 2 अपॉन 4 यानी 2 बन जा 2, 2 टू जा 4, 1 अपॉन 2 का रेशियो आएगा। यहां देख सकते हैं 3 बन जा 3, 3 टू जा 6 यानी 1 अपॉन 2 का रेशियो आएगा, और 9 वन जा 9, 9 टू जा 18 यानी कि ये भी 1 अपॉन 2 का रेशियो लेकर आएगा। यानी कि ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के, और ये भी बराबर है सी वन अपॉन सी टू के, तीनों रेशियो बराबर हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इतने के जितने हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में यानी कि अगली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम एक स्टेटमेंट हमें दिया होगा, उस स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाएंगे और उनको हम ग्राफिकली शो करके ये देखेंगे कि उनका नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कम से कम समझ में तो जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और ज्यादा ही पसंद आ गई है तो शेयर भी कर दीजिए, और लाइक और शेयर कर ही दिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।